वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोलिक 1.0। दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ नया डीआईवाई ट्राई करेंगे। मेरे पास घर की साफ सफाई करते समय बहुत सारे ऐसे बेकार चीजें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसी का ही कुछ यूज करके हम नया डीआईवाई ट्राई करेंगे। तो मेरे पास बिसलरी बॉटल का ढक्कन था, तो मैंने सोचा आज इसी का ही कुछ नया डीआईवाई ट्राई करेंगे। ये बिसलरी बॉटल का ढक्कन था, तो मैंने सोचा इसी का ही आज हम डीआईवाई ट्राई करेंगे। तो चलो देखते हैं नया डीआईवाई कैसे बनाना है। आज के इस DIY में हमें जो मटेरियल लगने वाला है वो है बिसलरी बॉटल का ढक्कन, या आपके पास कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फोम के वाइट फ्लावर्स लिए हैं, उसके बाद कार्डबोर्ड का एक राउंड पीस लिया हुआ है। आपके ढक्कन के साइज़ के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। और कुछ डेकोरेशन करने के लिए मैंने स्टोन्स वगैरह यूज़ किए। पहले हमें कार्डबोर्ड के पीस को अच्छे तरह से राउंड शेप देना है, और उसके बाद उसको आपको जो चाहिए वो कलर आप कर सकते हो। मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर गोल्डन का मैट फिनिश लुक देने का ट्राई किया है। अभी जो हमारा ये प्लास्टिक ढक्कन है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर कलर बैठ सके, इसलिए हमें उसको पेपर से, प्लास्टिक ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह से कलर नहीं बैठता है, इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर उसके ऊपर रैप कर लिया। उसके बाद हमें उसको कलर कर देना है, आपको चाहिए वो कलर आप कर सकते हैं। इस ढक्कन के ऊपर हमें कैंडल होल्डर का मेटल का स्टैंड रखना है, तो उसके लिए मैंने पहले उसको एक कार्डबोर्ड पीस से कवर कर लिया। आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देना था, इसके लिए मैंने उसके ऊपर मैट फिनिश गोल्डन कलर यूज़ किया है। इसके बाद फेविकॉल की मदद से मैंने पूरा ढक्कन सेंटर में जोड़ लिया। उसके बाद जो राउंड बाजू में बचता है उसको मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया है। आपको अलग अलग कलर के फ्लावर आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इस कैंडल होल्डर को मैंने डेकोरेट कर लिया स्टोन के मदद से। आपको हमारा ये आज का DIY आइडिया कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मैंने ऐसे ही नए नए दो तीन DIY बनाए, तो चलो नेक्स्ट DIY देखते हैं। नेक्स्ट DIY आइडिया नंबर 2। मेरे पास कार्डबोर्ड और कुछ बैंगल्स थी, तो मैंने सोचा कि इसी का ही यूज़ कर लेते हैं। हमें इसके लिए कार्डबोर्ड पीस चाहिए राउंड शेप में, उसके बाद एक बैंगल, उसको रैप करने के लिए आपके पास कुछ भी लेस रहेगा या वुलन थ्रेड रहेगा तो वो भी चल सकता है। उसके बाद कुछ डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स, मैंने पहले कार्डबोर्ड का राउंड पीस कट करके ले लिया। उसके बाद उसके एजेस कवर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया है, उससे अच्छा फिनिशिंग आता है। उसके बाद मुझे पिंक कलर अच्छा लगा तो मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। आपको जो पसंद आए वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। सेम मैंने उसको भी थोड़ा मैट फिनिश लुक दिया है। जो फोम शीट था उसके मैंने छोटे छोटे पीस बनाया है, और उसको ही मैंने साइड से आउटलाइन देने के लिए स्टिक किया है। ग्लू गन की मदद से मैंने वो जो बैंगल है वो सेंटर में स्टिक कर ली। थोड़ा ज़्यादा ग्लू गन का यूज करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम स्टैंड कर सकते हैं। बैंगल के ऊपर मैंने येलो फ्लावर्स ग्लू गन की मदद से ही स्टिक करके हाफ सर्कल उसको स्टिक किया है। उसके बाद हम सेंटर में अपने पास जो मेटल कैंडल होल्डर स्टैंड है उसको हम ग्लू गन की मदद से ही स्टिक करेंगे। आप इसको और डेकोरेट करने के लिए स्टोन्स या फिर और कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड DIY आइडिया रेडी हो गया। देखा कि घर में जो चीज़ें बेकार पड़ी रहती है उसका हम कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जब ये चीज़ें बन जाती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसको अभी फेंकने जा रहे थे और इसका हमें कुछ अच्छा डेकोरेटिव आइडिया मिल गया। तो चलो अभी हमारा नेक्स्ट DIY आइडिया देखते हैं। DIY आइडिया नंबर 3। इसमें मैंने आइसक्रीम का जो मटका रहता है, कुल्फ़ी का मटका जो रहता है, वो मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली ये मटका प्लास्टिक मटका है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ अलग बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड। मैंने ऊपर स्टिक करने के लिए थोड़ा सा वेलवेट का पीस यूज़ किया है। उसके बाद एक लेस चाहिए हमें उसको डेकोरेट करने के लिए, और थोड़े स्टोन्स चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे करना है। मैंने पहले मटके को ऊपर की तरफ से वेलवेट का कपड़ा स्टिक किया, क्योंकि हमारा जो कैंडल होल्डर मेटल स्टैंड है वो अच्छी तरह से स्टिक हो पाए। उसके बाद उसको मैंने लेस से डेकोरेट कर लिया। ये सब ग्लू गन की मदद से ही मैंने किया है। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड पीस को राउंड शेप में नहीं कट किया है, इस बार मैंने उसको फ्लावर शेप दे दिया है। और कट करने के बाद उसको मैंने येलो कलर से पेंट किया है। उसके जो कर्व्स है उसको मैंने हाईलाइट करने के लिए मेटालिक कॉपर कलर यूज़ किया है, वो शिमर कलर है, तो उससे मैंने आउटलाइन कर दी और उसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद उसके सेंटर में हमें जो हमारे पास रेडी हुआ मटका है उसको हमें स्टिक करना है, वो मैंने ग्लू गन की मदद से ही स्टिक किया है। उसके बाद आप उसको किसी भी स्टोन या मिरर से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लू कलर के स्टोन्स यूज़ किए हैं। मैंने इस वीडियो में घर में पड़ा पड़ा जो सामान रहता है उसका यूज़ कैसे करना है वो दिखा है। आप और आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करके उसको और अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो आज का ये तीनों DIY आइडियाज आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के ये तीनों DIY आइडिया आपको कैसे लगे, कबाड़ से हम कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और बाद में उसको अच्छा लुक दे सकते हैं, ये आपने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। बाय।